अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद शबनम। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बट की सालन की रेसिपी। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 5 to 6 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से हम हीट कर लेते हैं और ये देखिए ऑयल हमारी हीट हो चुकी है अच्छे से। अब इसमें हम कुछ खड़े गर्म मसाले डालेंगे, 2 लौंग, 1 दालचीनी, 2 तेज़पत्ते, और इसे हम 10 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेते हैं। और ये देखिए हमारी 10 सेकंड सॉटे हो गई है। अब इसमें हम 3 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे मैंने लंबे स्लाइस में कट की थी, उसे मैं डाल दे रही हूँ। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। प्याज को अच्छे से हमें फ्राई करनी है। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस लाइट पिंक हमें फ्राई करनी है। और ये देखिए प्याज हमारी लाइट पिंक फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल इसी तरह से हमें फ्राई करनी थी। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। मैंने प्याज में सबसे पहले 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है, जिसे मैं आपको मेंशन करना भूल गई थी, दिखाना भूल गई हूँ। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, ये सब मैं डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और ये देखिए मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर ली है। अब इसमें हम 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें मसालों के साथ प्याज को अच्छे से भुननी है 2 मिनट के लिए। और ये देखिए 2 मिनट हो चुकी है। अब इसमें हम 1 मीडियम साइज़ के कटी हुई टमाटर डाल देंगे। टमाटर को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों के साथ, और इसे हम 5 मिनट तक भूनेंगे। 5 मिनट मैंने भून ली है। अब इसमें हम 1/2 kg बट डाल रहे हैं। बट को मैंने अच्छे से फ्रेश वाटर से धो ली थी, और इसे हम सारे बट को डाल देते हैं इसमें। और बट को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों के साथ, ताकि हमारी बट में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए मैंने अच्छे से बट को मिक्स कर ली है। अब इसे हम भूनेंगे अच्छे से बट को 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। बट में हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालनी है, पानी वो अपने खुद ब खुद छोड़ेगी। तो इसे हमें बिना पानी का अच्छे से भुननी है। और ये देखिए बट हमारी 5 मिनट भुन चुकी है। अब इसमें हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करनी है चारों तरफ से। ये देखिए जिस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ चारों तरफ से। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम लिड कवर कर देंगे। तो ये देखिए मैंने लिड कवर कर दी है। अब इसमें हम 5 से 6 सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे। हमारी फ्लेम लो टू मीडियम होनी चाहिए। और ये देखिए मैंने 5 से 6 सीटी आने तक बट को अच्छे से पका ली, और इसकी फ्लेम भी मैंने ऑफ कर दी थी। अब मैं इसकी लिड खोल कर देखती हूँ। तो ये देखिए बट हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है इस बट को अच्छे से भुनना। तो भुनने के लिए मैं दूसरे बर्तन में इसे ट्रांसफ़र करूँगी। तो मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर रही हूँ बट को, और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर बट को अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए मैंने बट को 10 मिनट तक भूनी है हाई फ्लेम पर। और ये देखिए साइड से तेल रिलीज़ करना शुरू कर चुकी है। तो अब मैं इसे और भून लूँगी। और ये देखिए मैंने 5 मिनट और भूनी है इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए बहुत अच्छी तेल छोड़ी है बट में। बट भुनी हुई बहुत मज़े की लगती है, तो मैं इसे इसी तरह से रखूँगी। लेकिन अगर आपको बट में सालन रखनी है, तो आपको जितनी सालन रखनी है उतनी आप पानी डालकर इसे एक बॉईल कर लें, तो इससे आपकी सालन हो जाएगी। लेकिन मुझे इसी तरह से भुनी हुई रखनी है बट, तो मैं इसी में फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने डिश आउट कर ली है, और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। यह खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।